Hey guys, welcome back to Movie Narco. और आज हम कंटिन्यू करेंगे द क्वींस गैम्बिट के फोर्थ एपिसोड से। तो यार इतने दिनों के डिले के लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। एक्चुअली मेरा डब्बा, जिसे आप मेरा लैपटॉप भी कह सकते हो, उसे अपेरेंटली माता चढ़ गई एंड देन आई सेड स्क्रू इट और मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई। वेल जस्ट किडिंग, एक्चुअली मैंने पूरा दिन बैठ के अपना फेवरेट काम किया। बाय द वे द हैप्पीएस्ट थिंग कि हमारे चैनल पे 1500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। तो जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो लोग बिना सब्सक्राइब किए ये वीडियो देख रहे हैं सालों नरक में जलोगे तुम लोग। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बेथ रशियन ग्रैंड मास्टर बोर्गोरोव को टैकल करने के लिए रशियन सीखने की सोचती है। लास्ट में बेथ यूएस चैंपियनशिप में बेनी वॉट से हार जाती है और उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है क्योंकि इससे पहले वो ऑर्फनेज के दद्दू के सिवा और किसी से नहीं हारी थी। अब एपिसोड स्टार्ट होता है एक कॉलेज की रशियन क्लास से जहां बेथ रशियन सीख रही है एंड ऑफ कोर्स वो रशियन ग्रैंड मास्टर को टैकल करने और अपने एनिमी के और क्लोज आने के लिए ये सब कर रही है। बेथ इन सभी बच्चों से बहुत छोटी है, वो अभी स्कूल में है और बाकी लोग कॉलेज में है। यही क्लास के बाद कॉलेज का एक लौंडा उसे अपने घर इनवाइट करता है, तो बेथ इसके साथ इसके घर जाके इन लोगों के यहाँ नशे करती है। वो अपनी मम्मी को फोन लगा के बोल देती है कि वो कल घर लेट आएगी, तो मिसेस एल्मा उसे एडवाइस देती हैं कि वो ज्यादा नशे ना करे और कॉलेज के लौंडे लपाटों के साथ थोड़ा केयरफुल रहे। बेथ इसका उल्टा करती है, वो यहाँ आराम से जॉइंट मारती है और तो और कॉलेज वाले लौंडों के साथ टपाटप भी करती है। हाँ वो बात अलग है कि ये बंदा बहुत ही जल्दी ढेर हो जाता है और बेथ का फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार निकलता है, बट फिर भी अब बहुत ही जल्द बेथ ग्रेजुएट हो जाती है। वेल ग्रेजुएट होने का मतलब है कि उसने 12th पास कर ली है। उसके ग्रेजुएशन पे उसकी मॉम बहुत खुश होती हैं और जब घर पे दोनों सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तब बेथ उनको बताती है कि अब उसे मेक्सिको सिटी जाके खेलने का इन्विटेशन मिला है और उसके बाद पेरिस में भी एक इवेंट है। अब ये लोग जल्द ही मेक्सिको के लिए निकल जाते हैं। फ्लाइट में मिसेस एल्मा बेथ को बताती हैं कि मेक्सिको सिटी में उनका एक हाई स्कूल का फ्रेंड है जिससे वो स्पेनिश के लिए लेटर्स लिखा करती थी। शादी के बाद भी इन लोगों के बीच लेटर्स एक्सचेंज होते रहे और अब वो बंदा इन लोगों को एयरपोर्ट पे पिकअप करने आ रहा है। मिसेस एल्मा इस बंदे के बारे में बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और इवन शर्माती भी हैं। अब होटल में पहुंचकर मिसेस एल्मा अपने सो कॉल्ड मैक्सिकन आशिक के साथ ही लगी पड़ी रहती हैं। वो दिन भर उस बंदे के साथ घूमती हैं और ये दोनों बेथ को छोड़ के लंच और डिनर दोनों एक साथ करते हैं। टूर्नामेंट के स्टार्ट होने के एक दिन पहले बेथ मन लगा के प्रिपेयर कर रही होती है, तब मिसेस एल्मा उसे आके थोड़ा चिल मारने और रिलैक्स करने को बोलती है। वो बेथ से कहती है कि वो एक इंट्यूटिव प्लेयर है। इंट्यूशन बोले तो जो लोग किताबी ज्ञान से हटकर अपने खुद की अलग चालें चले, और इंट्यूशन किताबों में नहीं मिलती। अब वो बेथ को अपने साथ बाहर चलने को बोलती है मगर बेथ अपनी मम्मी से कहती है कि कल उसका मैच एक इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर से है, अगर उसने कल के मैच के लिए ढंग से प्रिपेयर नहीं किया तो ये लोग होटल में जो भी मस्ती कर रहे हैं उसका खर्चा उनको अपनी जेब से देना होगा। तो ये सुन के मिसेस एल्मा चुप हो जाती हैं और बेथ को छोड़ के अपने आशिक के साथ निकल जाती हैं। बेथ भी उनकी बातों पे थोड़ा ध्यान देती है और बाहर घूमने जाती है। यहाँ बाहर घूमते हुए उसे ऑर्फनेज के दद्दू की बातें याद आती हैं। दद्दू ने एक बार बेथ से बोला था कि टैलेंटेड लोगों को अपने टैलेंट की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है और ये कीमत कितनी बड़ी होगी कोई नहीं जानता, और इसलिए वो बेथ को उसके गुस्से पे काबू करने को बोलते हैं क्योंकि बेथ का गुस्सा उसको आज नहीं तो कल बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। बेथ अब फ्लैशबैक से बाहर आती है और यहाँ वो उसी जू को विजिट करती है जिसके बारे में मिसेस एल्मा ने उसे बताया था। यहाँ वो प्रेजेंट वर्ल्ड चैंपियन सोवियत बोर्गोरोव को भी देखती है और वो यहाँ से वापस आ जाती है। रात को जब वो होटल रूम में वापस आती है तो मिसेस एल्मा उसे बोलती हैं कि उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वो कल बेथ के मैच को देखने नहीं आ पाएंगी, लेकिन फिर भी वो बेथ से वापस आके उन्हें उसके गेम के बारे में बताने को बोलती हैं, हर एक चाल के बारे में। अब ये चीज़ बताती है कि दोनों की बॉन्डिंग कितनी अच्छी खासी हो गई है। मिसेस एल्मा को चेस के बारे में घंटा कुछ नहीं पता और ना ही उन्हें बेथ की बातें ज़्यादा समझ में आती हैं, लेकिन फिर भी वो एक अच्छी माँ की तरह बेथ के गेम में अपना इंटरेस्ट ले रही हैं। बेथ अगले दिन आके मिसेस एल्मा को बताती है कि वो अपना पहला मैच जीत गई। धीरे धीरे करके उसने अपने रास्ते में जो कोई भी आया सबको ढेर कर दिया। सभी लोग इस बात से हैरान थे कि एक 17 साल की लड़की अपनी उम्र से दुगने आदमियों को कैसे हरा सकती है। अगले दिन बेथ का मैच एक 14 साल के रशियन लड़के से होता है और इन लोगों का मैच पूरे 5 घंटे चलता है, बट कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। लास्ट में ये गोरा निब्बा
मैच को अभी होल्ड करने को और कल फिर से कंटिन्यू करने को बोलता है, तो बैथ अपनी चाल सील कर देती है। सील करने का मतलब है कि बैथ अभी के अभी ही जो चाल वो सोच रही है उसे एक पेपर पे लिख दे और अथॉरिटी वालों को दे दे, और कल बैथ की वही चाल चली जाएगी जो उसने आज सबमिट की थी। शाम को बैथ अपने होटल रूम में आराम से बैठ के अपने आगे के खेल के बारे में सोचती है। अगले दिन बैथ की कल वाली चाल बोर्ड पे चली जाती है और खेल निब्बा की चाल से स्टार्ट होता है। बैथ ने कल ही खेल को पूरी तरह से एनालाइज कर लिया था और अब वो अटमोस्ट श्योर है कि वो इस निब्बे को हरा देगी, तो वो आराम से अपनी चाल चलने के बाद फ्लोर पे गेड़ियां मार रही थी और लास्ट में बेचारा निब्बा हार मान जाता है। बैथ और इसकी थोड़ी बातें होती हैं जिसमें ये बैथ को बताता है कि जब ये 4 साल का था तब इसने पहली बार चेस खेलना स्टार्ट किया था और 7 की उम्र तक आते आते ये डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बन चुका था। ये रशियन लड़का बैथ को बोलता है कि वो अगले आने वाले 3 या 4 साल में वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनेगा। बैथ उससे पूछती है, अच्छा अगर तुम 16-17 की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बन भी गए तो आगे क्या? इस लड़के को तो बैथ का सवाल बिल्कुल भी समझ नहीं आता, बट इन एक्चुअल बैथ उससे ये पूछना चाहती है कि अगर वो खुद 17 की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगी तो वो आगे क्या करे। अब बैथ इस मैच के बाद मिसेस एल्मा से मिलती है। यहाँ जब वो चार्जशीट में देखती है तो उसे पता चलता है कि अब फाइनल्स में उसके और बोरगोरोव के बीच मैच होने वाला है। एक बार जब वो लिफ्ट से नीचे जा रही होती है तब लिफ्ट में बोरगोरोव और उसके साथ के उसके कुछ चंगू मंगू भी होते हैं। ये लोग रशियन में एक दूसरे से बैथ के बारे में ही बात कर रहे हैं। बैथ को रशियन आती है तो वो इन लोगों की बातों को समझ जाती है। लिफ्ट से बाहर आके बैथ के अमेरिकन दोस्त उसे बताते हैं कि बोरगोरोव के साथ जो दो चंगू मंगू हैं वो वर्ल्ड के सेकेंड और थर्ड बेस्ट प्लेयर हैं। एंड ऑफकोर्स इन लोगों के साथ रशियन एजेंसी KGB के कुछ एजेंट्स भी हैं टू एंश्योर कि बोरगोरोव भाग ना जाए। वैसे ये तुम लोगों को पता है व्लादिमीर पुतिन भी KGB का एजेंट था, मुझे ऐसे याद आई तो मैंने बोल दिया। अगले दिन बैथ और बोरगोरोव के बीच एक खतरनाक मैच होता है। दोनों ही सिसिलियन डिफेंस में खेलते हैं मगर बोरगोरोव को द मास्टर ऑफ सिसिलियन डिफेंस कहा जाता है और बेचारी बैथ बोरगोरोव से हार जाती है। रूम में वापस आके वो मिसेस एल्मा जो उसके मैच को अटेंड करने नहीं आई उन्हें आज की शर्मनाक हार के बारे में बताती है। बोरगोरोव के खेलने का तरीका बहुत ही अलग और बहुत ही अनोखा था। वो बिल्कुल एक शांत शिकारी की तरह खेल रहा था और ये सब बैथ के लिए हद से ज्यादा दिल दुखाने वाला था। बैथ मिसेस एल्मा को ये सब बताते हुए जब लाइट बल्ब ऑन करती है तो वो देखती है कि मिसेस एल्मा तो शॉक में है। बैथ तुरंत डॉक्टर को फोन लगाती है बट इट्स टू लेट, मिसेस एल्मा ऑलरेडी हेपेटाइटिस से मर चुकी है। यार बोरगोरोव से हारने का दुख कम था जो अब ये भी, और इस बंदी ने दूसरी बार अपनी माँ को खोया है। डॉक्टर जाते समय बैथ को एल्मा की रिपोर्ट देते हैं और कंसोल करते हैं, तब बैथ उनसे ट्रांकुलाइजर्स यानी लिब्रियम की प्रेस्क्रिप्शन मांगती है। तो वो बैथ को बताते हैं कि मैक्सिको में आप बिना प्रेस्क्रिप्शन के भी पिल्स ले सकती हो। इसके बाद बैथ एल्मा के पति और उसके पापा यानी मिस्टर वीटली को फोन लगा के इस सब के बारे में बताती है, लेकिन इस हरामी को तो अपनी पत्नी के गुजर जाने का घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो बैथ को बोलता है कि वो मिसेस एल्मा को US के केंटकी शहर में कहीं दफना दे और घर खुद रख ले। अब एपिसोड के एंड में हम बैथ को मैक्सिको की फार्मेसी में से ट्रैंकुलाइजर्स यानी उसकी वही नशे वाली पिल्स लेते हुए देखते हैं और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आपको क्या लगता है बैथ के साथ कैसा हुआ, उस बंदी ने दूसरी बार अपनी माँ को खोया? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मूवी नार्को को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।